ऐसन संगीत गीत के का बजोर, ऐसन संगीत गीत के का बजोर, जहां मुकाबला होला चौकी तोर, पूर्वी छप रही तान मान आला लड़की पापट के सान में गावेला जहां बिरहा दंगल, बिरहा दंगल शू। फिर से स्वागत बा महुआ चैनल के ओ कार्यक्रम जेकर नाम है के बा सिपाही के बा चोर, केकरा में बा कितना जोर, आपन माटी आपन बल, रउआ सब देख रहल बानी बिरहा दंगल टू। तो चली रउआ सबे भी बैठल बानी सोचतानी कि आज का होखे वाला बा, सब कुछ होई, घबराए के काम नहीं खे। लेकिन सबसे पहले हम अपना जज महोदय लोगन का परिचय रउआ सबके बीच में दे रहल बानी। एक तरफ बागी घराना, दूसरे तरफ विद्रोही घराना। विद्रोही घराना के जज के कुर्सी पर विराजमान बानी श्री सुरेंद्र यादव जी। जब दुश्मन आगे पड़ी जाला, ये हमार विद्रोही घराना चढ़ जाला। वाह, ई जोश बा विद्रोही घराना के सरदार का। अब बागी घराना के सरदार है श्री परशुराम यादव जी। छाती में दहकत यागी हा, ये हमार घराना बागी हा। आज का जोश तो देख के लगा था कि आज लोहा से लोहा टकराई, अखाली आग बरसी, चिंगारी बरसी। ये तो दू घराना का जज साहब लोग रहलन, बीच में और दूगो जज साहब लोग बाणन। रवा सबके मांग पर, चिट्ठी पर, फोन पर सुनत 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 हमनी के निहोरा करे के पड़ल, बुलावे के पड़ल बिरहा के शानदार गायक एमएलसी साहब श्री काशीनाथ यादव जी। चौथा जज के कुर्सी पर प्यारे लाल कवि जी। बिरहा के श्रोता दर्शक लोग के हम अपना दिल के मोबाइल से प्रणाम डायल करतानी, कान के रिसीवर से रिसीव करके हमरा के आशीर्वाद दी। तो ई हमार जज साहब लोग बा, लेकिन अब कौन घराना। पहले हम विद्रोही घराने का सरदार से पूछल चाहत है। रे 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 अरे 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 वाह, क्या बात वाह सुरेंद्र जी। हाय रे 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 रे। हम अपनी विद्रोही घराना से लड़े खातिर के गावे खातिर के भेजतानी बनारस की माटी के लाल डॉक्टर मन्नूलाल यादव। मन्नूलाल यादव जी। मन्नूलाल यादव जी, स्वागत है आपका। बड़ा बेकरारी बा लोगन के दिल में, लेकिन अब बागी घराना के सरदार जज साहब परशुराम यादव जी से हम जानल चाहता नहीं कि डॉक्टर मन्नूलाल यादव के जवाब में रुआ केकरा के आज ये बिरहा दंगल के मंच पर सेमी फाइनल में उतार रहल बानी। सृष्टि के समय मन्नू बड़ा बेचैन रहलन, तब वो बेचैनी का पूर्ति सतरूपा के ले रहली। निश्चित रूप से ये बिरहा के संचार में पूर्ति करे बदे बागी घराना के ओर से जहां सीता सांवरी। अब हमने के पूछे के चाहिए रानी, देरी ना करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी जी रुआ बताएं कि आज पहले के गई। हमारा विचार है कि आज मन्नू यादव गई है। मन्नू यादव, मन्नू यादव जी, मन्नू यादव जी गई है पहले। ठीक बा, मन्नू यादव जी गई है पहले। काशीनाथ यादव एमएलसी साहब, रउआ बताई कि मन्नू यादव गई हैं जरूर, लेकिन कमन रस गई हैं। कमन रस रउआ के सुने कमन बा, आ कमन रस आप ही के मुखार बिन से जवन शब्द निकली तवन भाई लोग आनंद ले वो रस का। हम चाहते नहीं कि ये कार्यक्रम में हमारे बिरहाक गायक मजबूती से वीर रस गा के ये माहौल के गर्म करेगा काम करें। अरे वाह, वीर रस। तब पहले गई है मन्नू लाल यादव, वह गई है वीर रस,
तब मन्नू लाल यादव जी के कार्यक्रम शुरू कर जा करे पहले लेवे के पड़ी पड़ी छोटी मुकी ब्रेक सबका बहुत बहुत स्वागत कर रहल बानी महुआ चैनल के कार्यक्रम बिरहा दंगल टू में। वाह 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 जिया मुन्ना जिया चुनरिया तनी देखाना सवरिया निकी लागता कि ना तनी देखाना सवरिया निकी लागता कि बीरस की कहानी मध्यकाल के हिंदुस्तान की मैं शुरू करने जा रहा हूं। त्रुटियों के लिए आप सब लोग क्षमा करेंगे। उस वीर की गाथा है जिसे भारत के नेपोलियन का महान सेनापति घोषित किया गया था। चार लाइन बिरहा में भूमिका की बात लिखी गई है। अगोरी के राजा बाबा दुर्दांत अपराधी मुलागित बाबा नगर में आने वाले बहु बेटियों की इज्जत बा आबरू से खेलता था मेरे बाबू बा वही नगर में माहर सरदार रहला बा यदुवंशी तेगा रहल घर में एक बिटिया पैदा भइल जोने के नाम मंजरी बतावल गईल मुलागित काला धागा हाथ में जाके बांध देलस बात करे जा मैं लगल महर के 16वां बसंत तक तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो मेरे सम्मान के ऊपर आंख कैसे उठाओगे गैला गादी गढ़गौरा बलिया मझार आंचल फैला के कहना पगड़ी के मर्यादा रखे के हा कहानी के शुरुआत लिख लिख गजल के नमूना लग गई लाल बाबा बाबा अरे जब चमन गुल चार जन्नती अरे जब चमन गुल चार जन्नत के सवार चाहेंगे जब चमन गुल चार जन्नत के सवार जब चमन गुल चार जन्नत के सवार जब चमन गुल चार जन्नत के सवार चाहेंगे पुकारे जाएंगे लेकिन बिरहा में बात देवल गिल तेगा तलवार के धार बीर लोरिक लेके चलना अरे काट कर मोलागित को अरे काट कर मोलागित को अरे नाहर जवानी जंग में काट कर मोलागित को ना हर जवानी गगन के अरे आसमां धरती गगन के फड़कता है
लहू का तिलक लगाकर पीर लोरिक सामाजिक न्याय के खात्मा कैल मंजरी के डोलवा उठा के चल दे बाबूजी। जब चलना तो कलन गीत बड़ा जानदार लग गया लाल वाह। ऐलान कैलन लोरिक अरे डोला उठा के चलल बागी बलवान चान चाली जान जाई भले लेकिन चाली ना जान जाई भले लेकिन गौरा का माटी जकर करेला या दरवा शेर का शिकार कैसे करिए सियरवा मजरी कैसे यहाँ है सुना इतिहास बना के चल रही बा कोई ना जानी कोई लिखी ना तुहार इतिहास बाबा तो कोई जानी कैसे हमारे करमान हो ओके सजादा भाव टेरी में लग गया लाल अरे हमारा जीव का काल बन गई अरे बीरा लोरी कलहना तेगा के लहराई अरे लहराई अरे खंड को पति देव तलवार बीच पे लाना है एक बार करे फिर आसमान में पाहन को ले जाना है गके ओ खान मारे हंसे पर तीन खंड ये लगाना है अरे दो को सर मुक्ति का कर जंघे का लहू चढ़ाना है जंघा का लहू वही चट्टान पर छिड़क देबा मांग का सिंदूर लगा दे लिखे वाला लिखे ना पढ़े वाला पढ़े ना लेकिन निशानी के जे देखी ऊ जान जाए के धरती पर कौनो यदुवंश का वीर रहन लोरिक ओ करा तेगा के धार के निशानी हो लोरिक कहा ला अब वही तय कर हम मर्यादा बचोली है अब लगल हमसे सवाल करे अच्छा मजरी गन 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 पता ना सतपुर करी है तो बहिया दी हैं कि ऐसा औरत के जब हम सरते ना पूरा के ली तो क्या करे रखी अगर पूरा कर दे तो कहे हैं कि जा तोहरे ऐसा बतुलिया औरत जे शर्त रखे लगे समझमा बिहान ओकर हम का सम्मान करो लोरिक माई दुर्गा के स्मरण करत हुआ भाव लगल मुन्ना मिर्जापुर में पंडारी दादा स्वर्गीय फुद्दी खलीफा बनारस की धरती पर स्वर्गीय रामदेव बुल्लू बलिया में बाला बाबूजी और गाजीपुर की धरती पर सिमरो तोस्ताज अब गावे स्वर्गीय रामधारी उस्ताज अब गावे नूर छलके एक लाइन झांकी रहे बताओ थे बाबूजी। सीता कुछ समझिया मत हमार कहानी उधर है अरे बारी बारी हो अरे मर राम अरे बारी उमर कमर लचकनिया गोरी खींचे निहुर के पनिया गोरी के धूला धूलनिया ना बारी उमर कमर लचकनिया गोरी खींचे निहुर के पनिया लेकिन वीर लोरी कहने का लगल बात औरत का अरे माई धरती के चूम लेना अपने इष्ट देवी की आराधना करके चल दिया दिलावर अरे तक राजा हो अरे मोरे राम
पुरखन के पूजा खेलू, अठवा पीढ़ी यदुवंश के हंस के रूप में हम लोरिक पैदा भेली। आज मेहरारू के बात अगर ना पूर होई, जवार दुनिया है ताना मारी, नाहक जिंदगानी हो जाई। आराधना कैले, कैसे आराधना कैले, जौन आप लोरकी का तान बतावत हुआ, आज तक के बाबूजी भाग में ही ओरिजिनल ट्यून लोरकी के धुन में भी लोरिक आराधना करत हूँ माई दुर्गा के। कैसे कह राम राम अनाम ले था ये माई राम नवा हो गए लबी आसन माई दुर्गा आ गेली, माथा के सिंदूर मजरी लगौली, जांग के खून लोरिक लगवला, माई अदृश्य भेली, अचरा में फूल गिरौली, डोला मंजरी के लेके लोरिक गईले, गादी गड़ गौरा के बाजार खड़ी में भाव लगल, माई खुइलन से बतावत हुई बाबूजी तोहर बेटवा हमार सैया इतिहास में एक ऐसा अध्याय जोड़ के आयल हुआ जेके लोग देखते अखिया से जान जाई। आप लोगन के भी हम गुजारिश करत थी, निहोरा करत थी, बिरहा के प्रति जो सोच हो समाज में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी गई चार पुस्तक पढ़ेंगे, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, डॉक्टर अर्जुन दास केसरी का लोरिकायन और डॉक्टर ओम प्रकाश भारती का लोकायन। यह कहानी वहां से ली गई और निशानी आज भी सोनभद्र के अंचल में कायम बा। तो आखिरी में कहना बलाल मंजरी अपने सांस खुलन से बताओ तनी सोनभद्र के जिला मुख्यालय से ठीक 8 किलोमीटर जब आप अनपरा बीजपुर शक्ति नगर के लिए बढ़ेंगे, वीर लोरिक पत्थर न केवल यदुवंश की बल्कि आर्यावर्त में निवास करने वाली भारत की समस्त जातियों की वीरता शौर्य उनके साहस की गाथा गाते हुए आज भी वहां पर विराजमान है। कहानी समाप्त हुई, कहना हुआ खानदान का परिचय। तो गुरु बिहारी गुरगणेश नंदन राम जियावन चरच धारे गुरराम धारी विमल ज्ञान दे, अरे अमर राही जीवन का काल बन गई, मनु राही गाते वीरों की कविताई, अमर राही जीव का काल बन गई। भारत डॉक्टर साहब मनु लाल यादव जी, अब हमके यकीन हो गई कि रुआ सभे बिरहा के रंग में एकदम रंगा गई बानी। लहार लुटत रही, बहार बरसावत रही। मन्नु भैया बहुत बढ़िया वीर रस के बिरहा गौलन। तो अब इनके जवाब में बागी घराना से खूबसूरत से प्यारी सी मूर्ति मतिन बैठल बाड़ी गायिका सीता सांवरी, उनका के बुलावल जा। एकरा पहले तो लेवे के पड़ी पड़ी छोटी मुकी ब्रेक।
रउआ सबके बहुत मन से दिल से स्वागत कर रहल बानी महुआ चैनल के कार्यक्रम बिरहा दंगल टू में। चुकली एक लाइन अंदाज है मास्टर बिरहा में कभी कितना सुंदर भाव देलन कि ऐ छुपा राज दिल का अरे बताओ अभी राज दफन भल बा ओके बतावे के बा कहानी का शुरुआत यही शोगल कैसे अब तक क्यों रही कुंवारी मौसी मेरे घर आकर कारण सब हमें बताओ बीती सब बात सुना कर मारे ताना सब गोतिन बेधे जो मेरे तन को है जरा चैन ना दिल में रोकू कैसे मैं मन को तई बात समझ ला ए बाबू जैसन कहानी आप लोग के मनु जी के तरफ से सुने के मिलल ई त बाप का ब्याह करौलन लेकिन हम बेटा का ब्याह कराई ए बाबू लोरी का बेटा भोरी जब कुछ सयान भइलन गांव में खेला जा बड़ा जवानी का जोर देखाओ बड़ा कुद गांव का लइकवा कुल कले करे यार भोरी का त इतना जौन जवानी का जोर दिखावत हुए ई जवनिया का जोर कहीं अंते जाके देखते तो कुछ काम बनत यहाँ या खड़वा में का दिखावत हुए जौना लइकन के चाहे तौने के पटक दरे बड़ा मन बढ़ू रहल गांव के लइका कहल कि एक एक बल से ना एक दिमाग से पटकब बल से तो हमन ना पावल जाई देखत है कि बड़ा चौचक हो तो एक बल से ना पटकब तो दिमाग से पटकब पटके खातिर बाबूजी कुल लइका प्लान बना के भोरिका के कहल कि करे यार भोरिका बड़ा ये ठन दिखावत हुए इतना जवानी का जोर कहीं और जाके दिखाओ कहल कि कहे का मतलब का कहल कि यह कहे का मतलब कि इतना जवानी का जोर बा तो ये जवनिया के जोर तुहार बाबू तोहरे मौसी अनुपी के लियाए के रखले रहलन पूरा जवानी बीत गल लेकिन ब्याह ना भल इतना जवानी का जोर है तो अपने मौसी का ब्याहवा काहे ना करवा लेते करेजवा में बात धस गल अखाड़ा पर से लड़ल ना चल आयल तो भैल का मास्टर उहे गीतबा भोरी का खारे पर से चल देलस तो कहां गल अरे ढंग से बिचारा पंडित यापन तन पता रावा ढंग पतरा खोला मौसी का शादी हमरे मौसी का शादी हमरे वो ये कवने घर आवा ढंग से बिचारा पंडित या पंतन पता रावा पंडित तू चारे पतरा या पनी दुआरिया अधोलिया में बंद भाभी बीजसर नगरिया रखली जाता ना से
ढंग से बिचारा पंडित आपन तनी पता रवा पंडित जी के लगे पहुंचा करे पंडित बड़ा पतरा दिखला तनी हमरे मौसी का भाभी कहाँ छिपला तनी पतरवा खोल के बता देता पंडित जी। पंडित जी पतरा बताऊला भाभी का ठेकान लग गई कहाँ भाभी छिपल बा चल दे कहाँ चल मास्टर कुछ बात हम देखले रहली वो के हम बतावल चाहत थी नाचत रहला हम देखले रहली एक बार हमार नजर पड़ल रहल नाचत रहला ही जड़न के टोली में बुरा मत मनिहा यह गीत लगाइल कि नाचत रहला ही जड़न के टोली में आय हाय टोली में आय हाय टोली में हम देखले रहली तोहरा के होली में ए बाबू भोरी पतरा खोल के आ घरे अलन त का कहत हुआ बोले भोरी की जाई माई मजरी से माई मजरी से भाभी कीन के लिया इब हम नगरी से मंजरी माई से आके कहल कि ए माई मौसी का भाभी कहाँ छिपल हम पता लगा ले ले अब हम जात है ए बतिया के मौसी अनुपी से जब माई मंजरी से कहतन तब मौसी अनुपी दरवाजे से सुनत रहली ए बाबू कहली कि का ए बेटा पूरा जवानी बीत गल आए बुढ़ाई में अब तू हमार ब्याह करावत हुआ अब हम ब्याह ना करब अब ही तो तोहर खेले खाए को उम्र है जा खेले खा हमरे ब्याह के चक्कर में मत पड़े बचवा ए बाबू मौसी का बात ना मानत हो लेकिन मौसी कहली कि जब बात ना मानत हो तो एगो काम करा का मौसी अनुपी से भोरी की मौसी अनुपी से भोरी की किए बयानवा तब बिहनवा भाभिया न अपने लोहा बैठा चौरी पकड़े सुमिरा नमा पूजा करके गई ले हारी प्रगट भैली नहीं महतारी तू तते गा रे हो मोरे रामा तू तते गा उठा के काटा है कारदा नवा हो बिहनवा माई मजरी से कहला मौसी सुनली कहली कि बचवा जब ना मानत हुआ तो तोहर बाबू लोरिक दुर्गा माई के बहुत बढ़र पुजारी रहलन जाए के बाबू का लोहा लेके बोहा में पूजा करा तब कोनो काम करिया भाव लग गई मास्टर तब बोहा में प्रगट भैली दुर्गा अरे भोरी के लिए हाथ में जब बाबू का लोहा बोहा में दुर्गा माई प्रगट भैली जब प्रगट भैली तब बचवा से पूछे लगली का पूछे लगली दुर्गा बोली हरा साई बोला जवन तो के चाही काहे मुड़िया लगाई देला धरिया से हाथ जोड़ के गदेला बानी रसे रसे बोला कतहु छोड़ के मत डोला चौरिया से जब जब करी हम पुकार हो दहिने तू तैयार मांगनी है हमार हो मयरिया से जब हम तोह के पुकारी ए माई बस हमरे दहिने तू तैयार रहिया और कुछ ना चाहिए भैल का मास्टर अरे भूलली देहल तब भूलली देहल ब्रह्मा का बचनिया रनिया धोखे में उठा के देहली जोगिन के निशनिया रनिया धोखे में
हलकनिया रनिया धोखे में ए बाबू मौसी अनुपी का भाभी छिपर हल केवला राज में बाबूजी बिजसर राज में केवला अपने ढोल में वो भाभी के छिपौले रहल ब्रह्मा से वरदान मिला रहल केवला के कि जे ही ढोल लेवे आई वही से तोहार बियाह होई जोगी का रूप बनाए के भोरिक बिजसर राज में पहुंच गईलन केवला के राजमहल के सामने जोगी का रूप बनाए के भिक्षा मांगे लगलन ए माता भिक्षा दे दा ये जोगी के सुंदर रूप देख के केवला जोगिया के देख के मोहित हो गल बड़ा सुंदर बा कलश की का लेबा का तोहके चाही हीरा लेला मोती लेला का कुछ ना चाही ये जोगी के हीरा मोती का कवन काम तोरे राजमहल में एगो ढोल बा उहे ढोलिया हमके दे दा वही ढोलिया से जोगी गईहा बजईहा पट से गईली ब्रह्मा का वरदान भुला गईली ढोलिया उठाए के दे देली आ जब ढोलिया जोगी पौले बा तब हल्का मास्टर किसे होई ब्रह्मा का वरदान याद आगल वो लड़की के बाबूजी राजकुमारी केवला के ब्रह्मा का वरदान जब याद भल कहली कि अब ही कुछ ना बिगड़ल हो अब ही तो उस सारा हदियो ना पार कैले होई एक उपाय लगौली बाबूजी उपाय का लगौली कि केवला बड़ा जोर जादू करनी रहनी बड़ा तेज जादू मारे मंत्री के लड़की के बात जब सुन ली तो ऐसा जादू खींच के मर ली कि भोरी के जादू से अपने सुग्गा बना दिली अपने राजमहल में एगो पिंजरा में बंद करके कटोरिया में दो चार ठे चना दे दिली कहली कि कुटकुटावा बैठ के आ रहला ढोल लेबे ए बाबू चना कुटकुटाओ थो लेकिन बिजसर राज में से बाबू चना कुटकुटाओ थो लेकिन यहाँ गौरा में भल का हाल का बा मंजरी मौसी अनुपी से कहलीं कि जा पापिन पूरा खानदान त हमार खा गइलू अब तोहरे मांग में कबो सेनूर ना पड़ी रोवत हैं लेकिन बाबूजी प्रमाण बताओ कि लोरी के खेर खर रहली जिनकर नाम जमुनी रहल वो बड़ा तेज जादू मारत रहली जब जमुनी ये बात के सुनी कहली कि हमरे जियते हमरे कुल खानदान का लाज जाई आखिरकार वही खानदान से हमहू ना जुड़ल हई आइली बाबू गौरा में ऐसा जादू खींच के मरली कि सुग्गा के लगे बाबूजी केवला ओके चिढ़ावत रहनी का हो ढोल चाही बजेबा चिढ़ावत रहनी तबले बाबूजी जादू पहुंच गल जब जादू पहुंचल बाबूजी जमुनी का तक बिजसर राज में केवला और पिंजरा सहित गौरा में आ गई गौरा में आयल तो भइल का अरे सुदर्शन से जबरी लिया के हम जोलिया चौथे पन में मौसी अनुपी के शादी कैसे भल सुदर्शन से जबरी लिया के हम जोलिया अगौरा से साजा मौसी अनुपी का डोलिया
बाबू चौथेपन में मौसी अनुपी के ब्याह सिंघलदीप के राजा सुदर्शन से भल। मौसी का ब्याह तो हो गल, केवलो आयल है इन बिजसर से अब भोरी को कुंवारा हुआ। वही मंडप में भावर दोनों जने का घूम गल, एक का ब्याह कराओ कलरली दू दू ठे करा दिली। आखिरी अब अंतिम लाइन तो स्वामी के पद पंकज से कैले अनुराग बिहारी, रमन अमर कर हर मन में तज के दुनियादारी। तब वहां में प्रगट भईली दुर्गा, भरत जी सीता अब लोह से कति है लोहा। ओ बोहा में वाह, लोहा से कटी है लोहा। लोरिकायन खंड का वीर रस का गीत दोनों कलाकार रुआ सबके बीच में प्रस्तुत कैला। रुआ सब खूब आनंद लेत बानी हमनियों के आज ये सभा में ना बैठ के तनी दूर से सुन रहा बानी जा। बहुत बढ़िया लगता हमनी के, बढ़िया लगता एकर मतलब रुआ सबके जरूर बढ़िया लगता। डॉक्टर मन्नू जी के हम मंच पर बुलाई, अब बुला के जज साहब लोग के सामने अदालत में पेश करने करा पहले लेवे के पड़ी। छोटी मुखी ब्रेक। सबका बहुत बहुत स्वागत बा महुआ चैनल के कार्यक्रम बिरहा दंगल टू में। अब दोनों कलाकार लोग के डॉक्टर मन्नू यादव जी और सीता सामरी के हम जज साहब और जनता के अदालत में पेश करब। सबसे पहले हम बागी घराना के सरदार जज के कुर्सी पर विराजमान श्री परशुराम यादव जी से जानल चाहतनी कि दोनों कलाकार लोग का गीत रुवा के कैसन लगा। दोनों कलाकार अपने अपने अंदाज से बढ़िया गौलन, गायकी में दू ढंग का प्रस्तुति रहल आ बढ़िया भी रहल, सराहनीय रहल। तो विद्रोही घराने के सरदार से हम पूछल चाहत बानी रउआ बताई कि रउआ कैसा लगल। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। बारे डॉक्टर मन्नू यादव और बारे सीता सावरी, दोनों कलाकार बहुत बढ़िया बिरहा गौलन, लेकिन जवन थीम रहल डॉक्टर साहब के बीरस के पूरा झलक मिलल। दोनों गोइया बहुत बढ़िया गौलन। बीच में रुआ सबके मांग पर, रुआ सबके बुलावा पर हम बुलौले बानी एक और जज साहब के, जौन बिरहा का एक उम्दा कलाकार के साथ साथ एमएलसी साहब भी बानी, श्री काशीनाथ एमएलसी साहब। रुआ से निहोरा करब कि बताई दोनों कलाकार कैसन गौलन, कैसन इनकर गीत रुआ के लगल। दोनों कलाकार बहुत निमन गौलन, हम धन्यवाद देतनी, लेकिन भोजपुरी भाषा आ भोजपुरी विरहा आ पूर्वांचल का माटी ई सोच रहल बा कि आखिर ई गवैया हमरी बुनियादी धुन के गई हन कि नाहीं अपनी विरहा में। जैसे अरे के करके कर मनवा राखी, अरे अकेले जियरा के करके कर मनवा राखी, गाड़ी के गड़ीवान कहे गड़ी पे आवा, अरे कहा तो बिछा दे कोदो के पुअरा के करके कर मनवा राखी, अकेले जियरा के करके कर्म नवा राखी। अपनी विरह में ई बुनियादी धुन के भी आप लोग डालें, जैसे अरे करे जऊ करे जऊ करे जऊ करे जऊ करे जऊ, एगो चुम्मा दिहले जई हो करे जऊ, अरे पिया मोरा जाय के बसेला देहरा दुनावा रे बुनावा गिर गिर जालाना। दुनिया में भोजपुरी फैली, आई भोजपुरी भाषा का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय पर ले जाए का जिम्मेदारी आप लोगन के बा। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब निष्पक्ष जज की कुर्सी पर विराजमान बानी प्यारे लाल कवि जी, रउआ बताई कैसा लागल? दोनों कलाकार वीर रस का प्रस्तुति बढ़िया कैलन, मन्नू का बिरहा सुनाइल भी है तथा देखाइल भी है। सीता सांवरी अपन बिरहा सुनौली हैं, कथानक दोनों बढ़िया रल है। आधुनिक परिवेश में धुन तरज गाते हुए भी बिरहा का हमारे भोजपुरी का खुशबू ना निकल पावे, एके ध्यान में रख के आधुनिकता भी जरूरी है, हमार खुशबू भी बहुत जरूरी है। ये दोनों चीज का ध्यान रख के कलाकार आप लोग गई बात बहुत बढ़िया है, हमार धन्यवाद दोनों कलाकारन के। देखत रही आनंद लूटत रही, जस साहब लोग उनके आशीर्वाद मिल गई, लेकिन भगवान स्वरूप जनता जनार्दन की अदालत में चले के पड़ी ये दोनों कलाकार लोन के लेके। ई देखें सामने स्क्रीन पर जितना बेकरारी रुआ सबके दिल में बा उतने बेकरारी हमनी के दिल में बा। अब एपिसोड के यही जा विराम लगावे के वक्त आ गेल बा, रुआ सबसे विदा लेवे के वक्त आ गेल बा। इसे रुआ सबके पांव छू के गोड़ छू के प्रणाम कर दनी। नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि, शब बखैर, जय भोजपुरी जवान, जय हात कापत। ऐसन संगीत गीत के कापत जोर, संगीत गीत के कापा जो।